मालदीव के 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन भारत में इस टिप्पणी को लेकर इतनी नाराजगी जताई जा रही है कि लोग मालदीव जाने का कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। मालदीव का ये समंदर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय पर्यटकों को खूब लुभाता रहा है। बीते 3 सालों में लाखों से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद कई पर्यटकों ने मालदीव के टिकट कैंसिल कर दिए हैं। We had a plan to travel abroad, but at the price की अगर कोई ऐसा देश मेरे देश के पीएम को मेरे देश की जो इमेज है उसको अगर कोई स्लैंडर करेगा, I will not take a moment to cancel my trip, क्योंकि मैं ये believe करता हूँ कि देश आगे से बगैर कुछ भी नहीं है। मालदीव के लिए ये बात बेहद गंभीर है कि वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। इनमें से भी भारत का योगदान काफी अहम है। साल 2023 में 1,878,543 कुरी पर्यटक घूमने आए, जिसमें से 2,09,198 भारतीय रहे। साल 2022 में 16,75,303 पर्यटक आए, जिसमें 2,41,382 भारतीय रहे। वहीं साल 2021 में कुल मालदीव 13,21,937 सैलानी आए, जिसमें से 2,91,787 भारतीय सैलानी रहे। जनवरी के पहले हफ्ते में 3 दिन में वहां करीब 5,000 पर्यटक पहुंच गए, लेकिन ये अंदेशा है कि वहां बड़ी तेजी से भारतीय टूरिस्टों की तादाद घटेगी। Why are you going to a country where you're not respected? So that would be my first reaction to any traveler who's going. There are, ये तो है नहीं कि Maldives is the only country we can travel to. We can travel to so many other countries. So the opportunity is there. The opportunity is right in India. So why would we go to a country जहाँ आपकी खुद की self-respect नहीं है? So let that self-respect come. And people like Maldives should understand this more. Because post-COVID, अगर उनको किसी ने खड़ा किया अपने पैरों पे, तो Indians ने खड़ा किया। हालांकि कितने भारतीयों ने अब तक टिकट रद्द कराए हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। फिर भी मालदीव भारतीयों की इस नाराजगी को कम करने की कोशिश में जुटा है। 3 मंत्री बर्खास्त हैं और पर्यटन से जुड़ी संस्था नेशनल बोटिंग एसोसिएशन ऑफ मालदीव ने ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन को पत्र लिखकर माफी मांगी है। देर सवेर मालदीव से संबंध ठीक हो जाएंगे, यही भारत के हित में भी है। लेकिन इस बहाने जो भारतीय पर्यटक स्थलों की एक खोज शुरू हुई है, उसका फायदा यहाँ के पर्यटन उद्योग को मिल सकता है, लेकिन फिर यहाँ भी विश्व स्तरीय सैलानी सुविधाएं विकसित करनी होंगी। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।